चलो सनसेट देख के आते हैं मॉर्निंग में। नाम क्या वाटरफॉल का जहाँ है? नाम क्या वाटरफॉल का? इससे पहले जो सबसे पहले वीडियो मैंने बनाया था ना शिमला वाला, तो उसमें मतलब गालियों के अलावा कुछ था ही नहीं, दोस्तों के साथ गया था। वो पिक पे चलते हैं। हाँ वही चल रहा है। कितना डिस्टेंस है यार? अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे ऑफिस, फिर ऑफिस में मैं लंच करूंगा, फिर लंच करने के बाद हम लोग निकलेंगे बस से चिकमंगलूर। ठीक है? तो यार बस में ये डीजल वगैरह पड़ रहा है, 13,000 का डीजल पड़ चुका है भाई। रास्ते की व्यू काफी सही थे, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। फिर रास्ते में यार हम लोग थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह के लिए एक जगह पे रुके थे, स्वास्ती डेलिकेसी करके नाम था उस रेस्टोरेंट का, काफ़ी सही रेस्टोरेंट था हाईवे पे। फिर वापस हम लोग चले गए अपनी बस की ओर। फिर रात को थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक चला, थोड़ी सी लाइटिंग हम लोगों ने वाली ऑन करवाई, डीजे वाली। फिर यहाँ से थोड़ी सी हम लोगों ने अंताक्षरी वगैरह खेली उसके बाद, और ये हम लोग अंताक्षरी वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग रात को लगभग 12 बजे के अराउंड हम लोग रिजॉर्ट पे पहुंचे, तो वहाँ पे कई सारे कॉटेज थे, मैं आपको वीडियोज में दिखाऊंगा, तो काफी सारे कॉटेज थे हम लोगों ने। The next day. तो यार ये मॉर्निंग का सीन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, जब आप सुबह उठते हो पहाड़ों के बीच में, पेड़ों के बीच में, काफ़ी सही सा फील रहता है यार। तो ये सुबह का है, अब मैं ब्रश वगैरह करके रेडी हो के मॉर्निंग में, फिर हम लोग अब जाएंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। नहीं, दिस इज कॉफी। भूल गए कल की बातें हुई पुरानी। Nothing is there. These people are involved in big discussions कि कॉफी कैसे बनती है, क्या करना है। हाँ बताओ रोहिणी, क्या बता रहे हो? चलो सनसेट देख के आते हैं मॉर्निंग में। रहा नहीं जाता, सनराइज हो चुका है भाई, ऑलरेडी लेट। सूरज है भाई, उसका काम है। सनसेट एक्सेल में ट्रैकिंग को नो करना पड़ेगा। अब क्या एक्सेल खोलेगा इधर? नहीं मजा आएगा भाई, ऊपर आओ। अभी रिजॉर्ट का ही होगा एंड। धनुष ओके, इससे पहले जो सबसे पहले वीडियो मैंने बनाया था ना शिमला वाला, तो उसमें मतलब गालियों के अलावा कुछ था ही नहीं, दोस्तों के साथ गया था।
वीडियो चल रहा है बीप बीप में बीप बीप टू बीप मारे देखो तो हियर इट मुझे भी नहीं सुनाई पड़ा मुझे भी सुनाई दिया भाई मुझे सुनाई दिया था फिर यशवंत ने बताया कि अलार्म बज रहा है बंद करो स्पीकर हाँ स्पीकर तो ले लेते हैं वर्डिंग असेंबल देयर एवेंजर्स असेंबल वो उधर ब्रेकफास्ट करने गया अब तो गया था जब हम लोग आए थे ले ली थी तुमने ओह नाइस क्वेश्चन यस 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 चाबी ले ली थी क्या बात है चाबी ले लिया तुमने तो यार भाई हम लोग चाबी भूल गए यहां पे गुड नाइस क्वेश्चन हम चार लोग आ गए और चाबी चाबी उधर ही रह गई कॉल कर देते हैं वरना वो फिर लेट हुआ सर अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ पे वाटरफॉल फिर उसके बाद हम लोग लंच करेंगे आके देन हम लोग निकलेंगे सनसेट देखने अरे दो रुपए ब्लर कर देंगे ऐसा कोई पाप कर रखा है क्या जो ऑनलाइन नहीं दिखना चाहिए नहीं नहीं उसी को बोल रहा हूँ हाँ नहीं चल एक 15-20 किलोमीटर के बाद तो हम लोग जस्ट वाटरफॉल पे पहुंचने वाले हैं मेरे पूरे ब्लॉग में दो ही लोग आए होंगे एक तुम आए होगे भाई पानी ठंडा होना चाहिए मजा आ जाएगा रूहें कांप उठे एकदम नाम क्या वाटरफॉल का जहां है नाम क्या वाटरफॉल का क्या नाम था सूरमाने सूरमाने टू आवर्स लेटर
यार नाउ वी आर गोइंग टू वॉच द सनसेट, ठीक है, और लंच वगैरह हमने कर लिया है। अब यहाँ तक तो हम लोग बस से आए थे, उसके बाद एक एक पानी की बॉटल उठा के हम लोग निकलेंगे ये जो महिंद्रा की आपको कार दिख रही है इनसे सनसेट देखने। तो इनमें एक में शायद 8 लोग आते हैं, ठीक है, 2 लोग आगे एंड 6 लोग पीछे, ठीक है। रास्ता बड़ा ख़तरनाक सा था बट माहौल भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा वेदर था वहाँ पे। तो हम लोग कार से ही निकल रहे हैं यहाँ पे सनसेट देखने। तो कार आपको एक पॉइंट तक ले जाएगी और फिर उसके बाद आपको वहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अब हम लोग वही डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं जहाँ तक हमको जाना था, ठीक है। अब यहाँ से हमको वो जो ऊपर पहाड़ दिख रहा है ना उस साइड में, वहाँ तक हम लोगों को पैदल चल के जाना है। और ये पहला दिन था तो हम लोग चल लिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड डे की जब आप वीडियो देखोगे ट्रैकिंग वाली, उसमें समझ में आएगा कि भाई कितना ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। और ये छोटा सा पहाड़ था तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुई, नेक्स्ट डे अलग ही लेवल था। पहाड़ है और क्या देखना है कुछ। तो यार ये था उसका टॉप, ठीक है। और जब तक हम लोग पहुंचे हैं तब तक यहाँ पे सन तो सेट हो चुका है, सनसेट हो चुका है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि मून भी दिखना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो सनसेट से थोड़ा हम लोग लेट हो गए थे बट यार वेदर वॉज अमेजिंग, ठीक है। मतलब जब आप पहुंचोगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आया कि भाई क्या सही वेदर है, ठीक है। और तब आपको फील आएगा मतलब कि जो एफर्ट्स आपने दिए हैं ना यहाँ तक पहुँचने के लिए वो वर्थ इट है। तो उसके बाद थोड़ी देर हम लोग इस पहाड़ से उस साइड गए, उस पहाड़ पे गए, ठीक है। इधर मैगी लेके आऊंगा भाई, 1000 में बेचूं, मजा आ जाए। स्टार्टर भाई दिया है, स्टार्टर तो नहीं है। थोड़ा देर हम लोग घूमे टहले, बातें बातें करी, कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कराने के बाद हम लोग शाम को फिर वहाँ से वापस गए। थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था, यहाँ पे कुछ लोग फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शाम को हम लोग वापस पहुँचे रिजॉर्ट, फिर शाम को ही पार्टी वगैरह हो के देन अपन सो गए। फिर नेक्स्ट डे का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग यार उस साइड वाले पहाड़ पे जा रहा, अगर देख हाँ रहे वही होगे चल तो रहा है। सामने आपको टॉप थोड़ा सा दिख रहा होगा, उस वाले साइड पे हम लोग यहाँ पे भी जा रहे हैं। मस्त है, क्लियर है पूरा। हाँ डीप ग्रीन, माइल्ड ग्रीन, लाइट ग्रीन। भाई वहां तो बड़ा मौत को छू के टक से वापस आ सकता। तो यार ब्लॉग बताना कैसा लगा, ठीक है। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं, इवनिंग का टाइम हो चुका है, ठीक है। और ही तैयार हो जा, ट्रैफिक ड्राइव करने वाला आप ही हो बंदा। अरे 75% भूल गया भाई, तो अरे भाई तू है सच में चालाक बंदा है वो। तो यार जब ऑफ साइड का सबसे अच्छा चीज़ जो होता है वो ये होता है कि आप लोग बहुत सारे लोगों से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वीडियो पे टीम्स पे, बट हम लोग इन पर्सन नहीं जानते हैं। जब ऑफ साइड होता है ना तो आप उन लोगों को जानते हो, तो ऑफ साइड एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, ठीक है। घूमने टहलने के अलावा आप उन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हो इन पर्सन, जिनसे आप यूजली मेल पे इंटरेक्ट करते हो, आप नाम जान रहे होते हो, भाई फेस तो जानते ही नहीं किसी को।
तो काफ़ी अच्छी जर्नी थी, ठीक है। और इसका सेकेंड ब्लॉग भी आ रहा होगा जिसमें हम लोग डे टू के बारे में बात कर रहे होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन था, तो वो जाके आप चेकआउट करना। सो यार, पहाड़ों को तो आपने देख लिया, बट आप एक चीज़ बहुत मिस आउट कर रहे हो। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो या आपको प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जो कि आप मिस आउट कर रहे हो, जिसका नाम है न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। अब ये सबसे अच्छी चीज़ इसमें पता क्या हो जाती है ना, इसमें फ्लैक्सिबल ड्यूरेशन होती है, ठीक है। आप 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ्स, ठीक है, जितना भी आप टाइम आप साल में लेना चाह रहे हो उतना आप टाइम ले सकते हो, फ्लैक्सिबल ड्यूरेशन, ठीक है। फ्लेक्सिबल ईएमआई ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आपके मेंटर्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं जो प्रॉपर आपको गाइड करेंगे उस प्लेसमेंट जर्नी के लिए। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताना ब्लॉग कैसा लगा।